बहुत ही सूदिंग रोड और बहुत अच्छी लोकेलिटी है जी। ये रोड बनने से ना आपको बताता हूँ, सोना जो अपना साउथ एंड गुड़गांव बोलते हैं जिसे, और गुड़गांव कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट हो गई है और गुड़गांव में भी बहुत प्यारा रोड है। सुभाष चौक और राजू चौक को कनेक्ट करता है डायरेक्ट, अपना यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है उसको कनेक्ट करता हुआ ये रोड। और आज की जो अपनी प्रॉपर्टी होने वाली है ये इसी रोड पे होने वाली है जी। इसमें अपने पास 360 स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को 418 स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, 465 स्क्वायर यार्ड साइज मिल जाएगा। तो हर बजट रेंज के अंदर यहाँ पे बिल्ड आउट फ्लोर है। सीधा मैं आपको ना सोसाइटी में लेके चलता हूँ, 48 सेक्टर के अंदर ये सोसाइटी है, बिल्कुल ऑन रोड। ये जो मैंने आपको रोड दिखाया ना इससे कनेक्ट है बिल्कुल सोसाइटी, तो लोकेशन वाइज बहुत बेस्ट लोकेलिटी है। सेक्टर 48 गुड़गांव के अंदर ये लोकेशन है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अब चलते हैं हम सीधा सोसाइटी में। ये देखिए सोसाइटी में हमने अंदर करी एंट्री, यहाँ पे पार्क मेंटेन किया हुआ है। ये रोड यहाँ से कितनी हमने एंट्री, आपको एंट्रेंस भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से की थी प्रॉपर अभी एंट्री यहाँ से, एंड ज़्यादा अंदर नहीं है, बहुत अच्छी लोकेलिटी के अंदर बहुत अच्छा फ्लोर है। यहाँ पे भी प्रॉपर गेट्स दिए हुए हैं जो लॉक हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे पार्क वगैरह बिल्डर ने मेंटेन किया हुआ है। ये रोड है प्रॉपर, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे कई साइज अपने को मिल जाएंगे, 360 स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा, 418 मिल जाएगा। तो पूरी रो बिल्डर बना रहे हैं इसको। एंड बात करूँ मैं अगर पार्किंग की, तो ये बहुत बड़ा पार्किंग का स्पेस अपने को मिलने वाला है। ये आप देखिए बहुत बड़ा स्पेस है पार्किंग का। पार्किंग का आपने स्पेस देखा, सामने आपको एलिवेशन दिखाया, आप देखिए गार्डन बिल्डर ने मेंटेन किया हुआ है। तो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक गार्डन मेंटेन किया है। आप सुबह वॉक करना है अपने घर के अंदर ही आप कर सकते हैं, प्रॉपर मेंटेन करके दे रहा है, पेड़ वगैरह सारी चीज़ बिल्डर लगा के दे रहा है, यहाँ पे ग्रास वगैरह का काम पूरा करके दे रहा है। एंड साइज़ तो A1 है ही, बिल्डर फ्लोर में बहुत बड़ा साइज मिल रहा है, बहुत बड़ी पार्किंग दी हुई है हमें। देखिए जैसे कि मैं आपको बोल रहा था स्पेस की बात मैं कर रहा था, कितना बड़ा हमें मिलता है यहाँ पे स्पेस। ये सीढ़ियों का हो गया है, बाकी यहाँ पे लिफ्ट अभी इंस्टॉल्ड होनी बाकी है। एंड यहाँ पे भी आप देखो एंट्रेंस पे कितना प्यारा काम किया है, दरवाजे की आप विड्थ देखो, चौड़ाई देखो आप दरवाजे की, हमें तो बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है। देखिए लेआउट आपको इसका बता देता हूँ, बेडरूम नंबर 1 ड्राइंग का एरिया, डाइनिंग का स्पेस, यहाँ पे आ गया अपना किचन, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, और जैसे मैंने आप बोला बेडरूम नंबर 4, आप इसको देख लीजिए। साइज़ बहुत अच्छा है, चीज़ बहुत अच्छी बनाई हुई है और क्वालिटी तो A1 है। सबसे पहले ना मैं इस दरवाजे को कर देता हूँ बंद, एंड आपको चीज़ें दिखाता हूँ क्या बिल्डर ने बनाई हुई है। अपने की फ्लोर के अंदर एंट्री, एंड अपने को सबसे पहले जो मिलने वाली है फील, देखिए आप फ्लोर में बहुत ग्रैंड फील मिलने वाली है, बहुत बड़ा फ्लोर है, 462 स्क्वायर यार्ड का ये वाला बिल्डर फ्लोर है। एंड हमें मिलता है प्रॉपर यहाँ पे इटालियन मार्बल। सबसे पहले ना हम शुरुआत करते हैं किचन से, क्योंकि किचन की भी बहुत मांग होती है, किचन कितना बड़ा है, क्या किचन दे रहे हैं बिल्डर। तो आप देखिए स्पेस तो बहुत बड़ा है ही किचन का, यहाँ से भी आप देखिए। इसके बाद जो अपने को चीज़ें दिख रही है, माइक्रोवेव, OTG, पेंट्री वगैरह पूरा प्रॉपर अपने को मिलने वाला है। रोज़ गोल्ड थीम के अंदर बिल्डर ने किचन रखा हुआ है। ये वाला स्पेस आप देखो कितना बड़ा हमें मिलता है। बाकी इसके बाद जो मेन किचन चिमनी हॉब हो गया, तो माइक्रोवेव OTG तो मिलता ही, उसके बाद चिमनी हॉब वगैरह सारी चीज़ें अपने को मिलने वाली है। रोज़ गोल्ड अपने को मिलता है, किचन जो कि मिलता है पूरा प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ, एंड डबल टैप अपने को मिलता है यहाँ पे, डिशवॉशर और क्वालिटी जो मेंटेन की हुई है, चेक वार अपने को मिलने वाली है हमारे घर के अंदर, सैंडलर्स के अपने सारे स्विच वगैरह सैंडलर्स के मिलने वाले हैं। एंड किचन का आप साइज़ हो, बहुत बड़ा किचन मिलता है जी, रियलिटी में बहुत बड़ा किचन अपने को मिल जाता है। एलिका की सारी फिटिंग्स है, चिमनी हो, माइक्रोवेव, OTG, सब चीज़ें एलिका की है। हमने किचन अपना देखा, अब हम चलते हैं अपने सामने वाले बेडरूम की तरफ। देखिए आपको ना इस घर की एक मेन बात बता देता हूँ, इस बेडरूम में जाने से पहले किचन हो गया, बेडरूम हो गया, ड्राइंग हो गया, या फिर तीनों के पीछे वाले तीनों बेडरूम हो गए। कोई भी सिंगल बेडरूम ऐसा नहीं है जो अपने को बालकनी से कनेक्ट नहीं करता है, या फिर वेंटिलेशन जहाँ पे ब्लॉक हो रही हो, प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं हमें ये बिल्डर। और रोशनी हमारे घर में प्रॉपर रहती है क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर है, एंड
चीज़ बहुत प्यारी बनाई हुई है। अब देखिए हम चलते हैं इसके बेडरूम नंबर वन की तरफ। ये अपना बेडरूम नंबर वन, बिल्डर ने फर्नीचर डाला हुआ है अपने, वो पूरा किंग साइज़ बेड ला के दे रहा है बिल्डर, कि आपको समझ में आ जाएगी कि क्या साइज़ हमें मिलने वाला है। आप भी देखिए पूरा किंग साइज़ बेड है, उसके बाद भी ये वाला स्पेस कितना बड़ा बच जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिटिंग बिल्डर ने डाली हुई है, काम आप देखो सीलिंग पे, आप काम देखो कितना प्यारा हमें काम मिलता है। और इसके बाद हम आ गए इसके बाथरूम्स के अंदर। बाथरूम का साइज़ देखो, बाथरूम का आप कलर कॉम्बिनेशन देखो, बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के अंदर बाथरूम बनाते हैं। जैगुआर के अपने वो प्रॉपर देते हैं, फिटिंग स्लाइडर्स वगैरह सभी चीज़ मेंटेन रहते हैं। देखिए प्रॉपर स्लाइडर्स मिलते हैं, और स्लाइडर्स के बाद भी ना अपना जो वेट एरिया है बहुत बड़ा वेट एरिया बन जाता है। लोग इतने बड़े बाथरूम बनाते हैं लेकिन वही है कि अपने को प्रॉपर वेट एरिया इतना बड़ा मिल जाता है। WC वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन की हुई है, जैगुआर अपने को मिलने वाली है। और काम आप देखो, स्टोरेज आप देखो कितना बड़ा अपने को स्टोरेज मिलने वाला है। यहाँ पे भी स्लाइडर्स दिए हुए हैं, सामान अभी कुछ रखा हुआ है, बट साइज़ अपने को बहुत बड़ा मिल जाता है, बहुत बड़े स्लाइडर्स मिलते हैं अपने को, क्योंकि अपना बेडरूम नंबर वन। अभी हम चलते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग की तरफ, बट उससे पहले आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर ये मंदिर का स्पेस आप एक बार देख लीजिए, कितना बड़ा हमें मंदिर का स्पेस मिलता है, बहुत बेस्ट क्वालिटी के अंदर, और बहुत ही प्यारी ये चीज़ बना के बिल्डर दे रहा है। यहाँ पे प्रॉपर एक डेडिकेटेड मंदिर का स्पेस दिया हुआ है, मंदिर भी बना के दे रहा है। स्टोरेज स्पेस आप देखो मंदिर का हमें कितना बड़ा मिल जाता है। ये वाला पैसेज आप देखिए, यहाँ पे अपने को मिलना है प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस। पीछे वॉल पे भी बहुत प्यारा काम किया हुआ है, यहाँ पे भी वॉल पेपर्स एंड ग्लास का बहुत प्यारा काम किया है वॉल मोल्डिंग्स के साथ। एंड बात करूँ अगर मैं सीलिंग की, सीलिंग पे भी बहुत प्यारा काम किया है बिल्डर ने। ये आप काम देखो कितना प्यारा काम करा हुआ है, बहुत अच्छी फील दे रहा है, बहुत अच्छी लुक दे रहा है। अपने वो डाइनिंग एरिया में हमने दिखाया, इसके बाद हम चलते हैं अब अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। ये इसका ड्राइंग एरिया है, ह्यूज स्पेस अपने वो ड्राइंग एरिया के अंदर मिलता है, बहुत प्यारा काम है। वॉल मोल्डिंग से मैं बात करूँ, या फिर बात करूँ ऊपर सीलिंग का, या फिर बात करूँ पीछे जो इन्होंने काम किया हुआ है ग्लास एंड वुडन टेक्सचर्स के साथ, बहुत प्यारी चीज़ बनाई हुई है बिल्डर ने। एंड ये क्वालिटी का काम अपने को मिलने वाला है बहुत अच्छे बजट के अंदर। आप इसके 462 स्क्वायर यार्ड वाले साइज़ को देख रहे हो, बट आपको 360 स्क्वायर यार्ड वाले भी हम बिल्ड अप फ्लोर्स में लेके चलेंगे, आपको आइडिया उससे मिल जाएगा कि अपने को क्या चीज़ मिलने वाली है। साइज़ आप देखो, एंड ये वाला पैसेज आप देखो, पूरा प्रॉपर वुडन टेक्सचर्स के साथ अपने को मिलने वाला है। मिरर का काम बहुत प्यारा साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ बिल्डर ने दिया हुआ है। फ्रंट बालकनी में भी आपको लेके चलता हूँ, मैंने आपको दिखाई दिया था वैसे फ्रंट व्यू इसका, जब भी आप देखें बहुत बड़ी अपने वो बालकनी मिलने वाली है। मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ सामने का व्यू, आप देखो अपने सामने प्रॉपर पार्क है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको पूरा स्पेस दिखाया, ड्राइंग स्पेस आपको दिखाया। अब हम चलते इसके बेडरूम नंबर टू के अंदर। देखिए बेडरूम नंबर टू, साइज़ आप देखो, सिंगल एक बेडरूम भी ऐसा नहीं है जो अपने को बालकनी को कनेक्ट नहीं करता। चारों बेडरूम्स के साइज़ बहुत बड़े दिए हुए हैं, चारों बेडरूम्स बहुत बड़े हैं, प्रॉपर किंग साइज़ बेड लगाए हुए हैं यहाँ पे, काउच वगैरह डाला हुआ है बिल्डर ने। उसके बाद भी आप स्पेस देखो, सीलिंग का काम आप देखो कितना प्यारा अपने को मिलता है। स्टोरेज आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत बड़ा अपने को स्पेस मिलने वाला है स्टोरेज का भी। और बेडरूम्स का साइज़ देखा, बेडरूम तो बहुत बड़े हैं। उसके बाद हम बात करें बाथरूम, बाथरूम भी इतने बड़े इन्होंने दे दिए, पता नहीं 462 स्क्वायर यार्ड के अंदर भी इन्होंने 500 गज वाले लेआउट को फेल कर दिया है। बाथरूम में हमेशा से कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जैगुआर के अपने को मिलती है फिटिंग वगैरह सारी चीज़, क्वालिटी वगैरह सारी मिलती है जैगुआर। स्लाइडर्स यहाँ पे भी आपको दिया है, ग्लास पार्टीशन वेट एरिया बिल्कुल अलग दिया हुआ है, सभी जो लगाए हुए हैं ना अपने वो फिटिंग सभी मिलते हैं जैगुआर। एंड जो हमें मिलते हैं जो एरिया मिलते हैं सैंडर्स, तो ब्रांडेड काम किया हुआ है जी, कोई भी हल्का काम नहीं है। पीछे वाली बालकनी में भी आपको लेके चलूंगा, उससे पहले हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर थ्री के अंदर। क्या हम इसके बेडरूम नंबर थ्री के अंदर, बेडरूम से आप साइज हो किंग साइज बेड लगाए हुए बिल्डर ने, उसके बाद भी आप देखो स्पेस कितना मिल जाता है। एक सैंपल फ्लोर रेडी किया हुआ है बिल्डर दिखाने के लिए कि हम कितना बड़ा स्पेस दे रहे हैं। वीडियोज़ में अच्छी तरह समझ नहीं आता, विजिट कीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप विजिट पाइए हमारे साथ, आपको हम प्रॉपर दिखाएंगे चीज़ें बिल्डर ने क्या चीज़ लगाई हुई है, क्या चीज़ मेंटेन की हुई है। उसके बाद देखिए प्रॉपर सीलिंग का काम कितना प्यारा आपने को मिलने वाला है, एंड फ्लोर की फील बहुत प्यारी है। टाइल वगैरह में प्रॉपर चॉइस मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं कुछ चेंजेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन में ना कुछ चीज़ें उनमें अपने को चॉइस हम दिला देंगे। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे वॉलपेपर्स वगैरह की, यहाँ पे भी अपने को चॉइस मिल जाएगी। बाकी मैं बात करूँ 1, 2, 3 स्टोरेज कितने बड़े अपने को मिलने वाले हैं, बहुत यूज स्पेस मिलने वाला है। एंड या ऐसा बाथरूम, बाथरूम का आप साइज़ देखो, बहुत प्यारे क्वालिटी के अंदर बाथरूम बनाया हुआ है, जैगुआर के अपने को मिलती है फिटिंग। अगेन स्लाइडर्स वगैरह यहाँ पे भी प्रॉपर दिए हुए हैं, वेट एरिया अलग कर दिया है बिल्कुल, जैगुआर के अपने को मिलने वाली फिटिंग। एंड टाइल्स कवर का आप देखो,
टाइल्स का आप काम देखो, बहुत प्यारा काम किया हुआ है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बिल्डअप फ्लोर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, विजिट बुक करो, बहुत बेस्ट यूनिट आई हुई है, बहुत प्यारी लोकेशन के अंदर। अपने वो पावर बैंक आप यहाँ पे मिलने वाला है, प्रॉपर गेटेड लोकेशन है और बहुत बेस्ट चीज़ है। देखिए हम इसके 3 बेडरूम देख लिए, अब हम चलते इसके 4th बेडरूम की तरफ। ये अपने की एग्जिट अपने 3 बेडरूम से एंड में आ गया अपना बेडरूम नंबर 4। ये अपना बेडरूम नंबर 4 आ गया। आप इसका भी साइज़ देखो, बहुत बड़े, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बोला था कि बहुत बड़े बेडरूम्स अपने को मिल जाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। बाकी मैं बात करूँ, वुडन का काम बहुत प्यारा किया हुआ है बिल्डर ने, सीलिंग का काम आप देखिए, स्टोरेज वगैरह अपने को प्रॉपर मिलती है। साइज़ आप देखो बिल्डर फ्लोर में क्या साइज़ अपने को मिलने वाला है। पीछे वाली बालकनी में भी आपको लेकर चलूँगा, स्पेस दिखाऊंगा कितना बड़ा हमें स्पेस मिलने वाला है। उससे पहले आप ये भी देखिए, इसका बाथरूम है, बाथरूम की भी ना हर एक बाथरूम की बहुत अलग थीम रखी हुई है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखो बाथरूम में क्या प्यारा में कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे वेट एरिया को बिल्कुल अलग किया हुआ है। एंड इसके बाद वही अगेन मिरर का काम बहुत अच्छा है, जैक्वार का अपने को मिलने वाला है, टैप्स वगैरह सारी चीज़ जैक्वार मिलने वाला है। क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, क्वालिटी बहुत प्यारी देते हैं, तो यही चीज़ है जी, मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ देखने में। बहुत बेस्ट बिल्डअप फ्लोर है और यूनिट बची हुई अपने पास 360 स्क्वायर यार्ड में भी अपने को सेम क्वालिटी की चीज़ मिलने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा वक्त थ्रू दिला देता हूँ, एक बार आपको ना लेआउट थोड़ा समझा देता हूँ 360 स्क्वायर यार्ड का भी। अब हम चलते हैं इस फ्लोर से बाहर, 862 स्क्वायर यार्ड का तो हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं एक बार 360 वाली यूनिट पे। ये अपना 360 स्क्वायर यार्ड वाला लेआउट है। यहाँ पे आप देखो बहुत बड़ा स्पेस मिलने वाला है, 360 का भी वन ऑफ द बेस्ट ये लेआउट है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाला है अपने को इटालियन मार्बल, जैसा काम मैं बोल रहा था ना, फिनिशिंग का काम वही है, जैसे वहाँ पे भी पूरा वॉल पे ये काम किया हुआ है। यहाँ पे ड्राइंग एरिया का बहुत बड़ा अपने को स्पेस मिल जाता है, अलग से डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है अपना ड्राइंग एरिया के अंदर। ये जो काम आप देख रहे थे 462 में, सेम अपने को 360 में मिलने वाला है, इटालियन मार्बल है। एंड लेआउट आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी मैं इसका, यह क्या इसका किचन का भी बहुत प्रॉपर बहुत बड़ा साइज़ है, 462 360 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छे लेआउट निकाले हुए हैं। ये अपना आ गया बेडरूम नंबर 1, ये आ गया अपना ड्राइंग का स्पेस, ये वाला डाइनिंग का स्पेस, फैमिली लॉन्च आप मान लीजिए यहाँ पे। एंड इसके बाद आ गया अपना बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4, बहुत बड़े बेडरूम मिलने वाले ये भी अपने को। अगर आप इसकी डेडिकेटेड एक वीडियो चाहते हो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट क्वालिटी के साथ कोई चेंज नहीं है, सेम क्वालिटी रखी हुई है बिल्डर ने, 360 में भी, 462 में भी, 418 में भी। अपने को बिल्डअप फ्लोर चाहिए हर एक साइज़ के अंदर, हर एक बजट के अंदर बिल्डअप फ्लोर मिल जाएगा अपने पास, तो कॉल किए, नीचे नंबर दिया हुआ है, बहुत प्यारी चीज़ आई हुई है। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा बिल्डअप फ्लोर? तो बहुत अच्छी यूनिट आई हुई है जी, 462 स्क्वायर यार्ड भी अपने को मिल जाएगा, 410 स्क्वायर यार्ड भी अपने को मिल जाएगा, और 360 वाला भी मैंने आपको लेआउट का थोड़ा बहुत वॉक थ्रू दिया हुआ है, तो अपने को 360 मिल जाएगा। बाकी अगर अपने को 300 स्क्वायर यार्ड में भी चीज़ चाहिए ना और सेम क्वालिटी के अंदर, तो वो भी अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन में चीज़ें हैं, बुकिंग उसमें अभी ओपन है, आप उसमें भी डाल सकते हो बुकिंग, नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी क्वेरीज अपनी हमें कॉल कर सकते हो, आप विजिट बुक कर सकते हो। जी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसने दी है तो नीचे नंबर दिया हुआ है जी, कॉल करो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, एनीवन जो गुड़गांव के अंदर बिल्डअप फ्लोर देख रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी कुछ भी रिक्वायरमेंट आप हमें जरूर बताइए, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए चीज़ें जरूर लेके आएंगे, और इसी तरह के बिल्डअप फ्लोर हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बताना है आपको कैसी लगी वीडियो, और अपनी रिक्वायरमेंट भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप जो आपको सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। बाकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसे बिल्डअप फ्लोर लेके आते रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिल्डअप फ्लोर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।